दोस्तों आज की लेटेस्ट न्यूज है, स्कूल कब खुलेगा। तो दोस्तों यूपी में आज से स्कूल खुल गए हैं, वो कैसे खुलेंगे और क्या है फीस की क्राइटेरिया, तो दोस्तों पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो अगर चैनल पर अभी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों छोटा वीडियो है लेकिन काम का ये वीडियो होने वाला है। दोस्तों यूपी में आज से स्कूल खुल जाएंगे, जब मार्केट और मॉल खुल रहे हैं, पूरा मार्केट में भीड़ भाड़ हो रहा है, तो आपका स्कूल भी खुल जाए। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के स्कूलों को खोलने को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। प्रदेश के सभी स्कूलों के ताले अब खोल दिए जाएंगे, लेकिन प्रधानाचार्य शिक्षक और कर्मचारी ही केवल स्कूल में जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने आदेश जारी कर प्रदेश में संचालित सभी बोर्ड के स्कूलों को 6 जुलाई से खोलने को कहा है। 6 जुलाई से स्कूलों में नए सेशन की तैयारी शुरू होगी और 15 जुलाई तक सभी स्कूलों में ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी जाएगी। बता दें कि यह आदेश यूपी बोर्ड के सरकारी सहायता प्राप्त वित्त रहित स्कूलों के अलावा CBSE और ICS के स्कूलों में भी लागू होगा। अपने आदेश के प्रमुख सचिव ने कोरोना वायरस महामारी के बचाव के दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। स्कूलों में शिक्षक और कर्मचारियों को सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए दिन में स्कूल भवन और फर्नीचर को सैनिटाइज किया जाएगा। इसके साथ में सभी कर्मचारियों की थर्मल स्कैनिंग होगी, जिससे टेम्परेचर नॉर्मल से अधिक होने पर उनकी चिकित्सा पदाधिकारी को देनी होगी। स्कूल में सैनिटाइजर और हैंड वॉश की पूरी व्यवस्था की जाएगी। दोस्तों वेबिनार के माध्यम से लोगों को बता दें कि स्कूल खुलने के बाद शिक्षक और अभिभावक के संग में बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था के बारे में अभिभावकों को जानकारी देंगे। उन्हें ऑनलाइन क्लास के लिए प्रेरित किया जाएगा। वही ऑनलाइन स्टडी के लिए अधिकारियों को, प्रिंसिपल, टीचर्स और स्टूडेंट्स को वेबिनार का ऑनलाइन ट्यूटोरियल के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। आदेश के अनुसार सभी स्कूल हर क्लास के टाइम टेबल तैयार किया जाएगा, जो 15 जुलाई तक ऑनलाइन क्लास शुरू कर दिया जाएगा। कुछ अभिभावक ऐसे होते हैं कि जो फीस देने में समर्थ नहीं है, उनके लिए भी एक दिशा निर्देश जारी किया गया है। माध्यमिक शिक्षा प्रमुख सचिव आराधना शुक्ला ने प्रदेश के सभी समस्त अभिभावकों को स्कूल फीस जमा करने का आदेश जारी किया है। उन्होंने आदेश में स्पष्ट किया है कि सरकारी, गैर सरकारी या निजी क्षेत्र के कार्यालयों में कार्यरत अभिभावक को जिन्हें नियमित या मासिक वेतन मिल रहे हैं, वह एक महीने की फीस स्कूल में जमा कराए। जो अभिभावक मासिक शुल्क जमा करने में सक्षम है और इनकम टैक्स देता है, उन्हें मासिक शुल्क देना होगा और स्कूल में परिवहन शुल्क नहीं लेंगे और पिछले वर्ष की फीस ली जाएगी। वहीं जो अभिभावक फीस जमा करने में सक्षम नहीं है, वे स्कूल को शुल्क जमा ना किए जाने के परिस्थितियों में जानकारी देते हुए लिखित में प्रार्थना पत्र देंगे। प्रार्थना पत्र के आधार पर स्कूल में आसान किस्तों में शुल्क लेने की व्यवस्था करेंगे। दोस्तों और भी कोई लेटेस्ट अपडेट आती है तो मैं आप तक पहुँचाने का काम करता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल विदा चाहता हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट साथ में।